हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन कुक विद अर्चना में। और आज कुक विद अर्चना में बनने जा रहा है चिकन टिक्का मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रोल यूज़ नहीं किया है मैंने। बिल्कुल आसानी से घर में बनने वाले रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला बनाएंगे हम आज। और ना ही इसके लिए मैंने कोई बोनलेस चिकन यूज़ किया है और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ यूज़ की है जिसके लिए हमें बाज़ार जाना पड़े। तो जो भी हमारे घर में अवेलेबल है बस उसी से हम आज बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए देखते हैं कि चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसकी क्या क्या प्रिपरेशन है। फ्रेंड्स, चिकन टिक्का नाम सुनते ही हमें ऐसा फील होता है कि इसके लिए हमें इसे अलग से कबाब बनाना होगा या अलग से तंदूर लगाना होगा। पर आज जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ, इसके लिए ना ही मैंने अलग से कबाब रेडी किए हैं, ना ही मैंने अलग से कोई तंदूर तैयार किया है। बिल्कुल घर में आसानी से बनने वाली रेसिपी दूंगी मैं और बिल्कुल कढ़ाई में बनाएंगे हम इसे। इसके लिए मैंने ना ही कोई गैस गंदा होगा हमारा, तो इसके लिए मैंने लिया है एक होल चिकन। होल चिकन कहने का मतलब है कि इसमें सारी चिकन के पीसेस हैं, चाहे वो लेग पीस हो या चाहे इसके और कोई भी अनदर पीस हो। उसके साथ ही मैंने ले लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, एक नींबू काट लिया है मैंने, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, दही, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर कलर वाला लिया है, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने। अब मैं इस चिकन में डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसे हमें कोट करना है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, जिससे कि सिर्फ इसमें नमक और मसालों का बैलेंस आ जाए। और साथ में हम ले लेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। तो यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे एक बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी ले रही हूँ मैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी यहाँ थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। आधी चम्मच मैंने लिए यहाँ पे ज़ीरा पाउडर और एक बाउल घर के फ्रेश दही लिए मैंने, और ले रही हूँ साथ में यहाँ पे नींबू का रस। तो इस तरह से हाथों को रख कर नींबू के रस को निचोड़ लेंगे, और थोड़ी सी सरसों के तेल। सरसों के तेल से इसमें बहुत अच्छी कच्ची कच्ची स्मेल आएगी सरसों तेल की, उसका स्मेल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। जैसे हम मसाज देते हैं उसी तरह से हम चिकन को सारे मसालों के साथ एक अच्छा मसाज दे देंगे। मसाले मिलाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखें कि चिकन में नीचे एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना हो। ये देखिए, मैंने सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से कोट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास वक्त हो और जैसे अगर आप 2-3 घंटे बाद बनाने वाले हो, तो मसालों को मिलाकर 2-3 घंटों के लिए साइड रख दें। इससे अच्छा मैरिनेशन आ जाता है चिकन में और चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पर अगर हमें जल्दी बनाना हो तो कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट करके अच्छी तरह से रख लेंगे और फिर इससे हम चिकन टिक्का बनाएंगे। तो अभी मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है चिकन को अच्छे तरीके से, और अब इसे हम ढककर अलग रख देते हैं। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं चिकन टिक्का मसाला का एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। आज चिकन टिक्का मसालों को हम दो तरीके मसालों से बनाएंगे, यानी कि एक मसाला जिसे हम अच्छे तरीके से बॉईल करके मसालों को भूनकर फिर उसे पीस कर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है प्याज। तो यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 4 टमाटर लिए थे, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। उसके साथ ही मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। गरम मसाले में मैंने लिया है यहाँ पे तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी के 2 इंच लगभग मैंने टुकड़े ले लिए हैं। साथ ही मैंने लिया है लौंग, यहाँ मैंने 8 से 9 लौंग लिए हैं। थोड़ी सी जावित्री का फूल लिया है मैंने, और 5 से 6 हरी इलायची ली है। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है, इसे गर्म होने देंगे। ये गर्म होने के बाद इसमें हम सारे हमारे सूखे गरम मसाला, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च को इसमें हम डालेंगे एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे गरम मसाले इसमें डाल लिए हैं। तेल ज़्यादा गर्म ना रखें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो इस गर्म मसाले का फ्लेवर जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा और तेल में नहीं आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए प्याज, जो ये रफली कटे हुए प्याज है, इसे हमें ज़्यादा भुनना नहीं है,
बस थोड़ा सा मिला लेंगे। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम डाल लेंगे कटे हुए टमाटर, जिसे मैंने रफली कट किया हुआ है, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अब 2 मिनट तक लगभग प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरीके से ढककर पकाएंगे। इसे अच्छी तरीके से मिला लें। ध्यान रखें कि सारे मसाले और प्याज टमाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए। अब मैंने इसे ढककर पकाया है। देखिए 2 मिनट तक पकने के बाद प्याज और टमाटर बिल्कुल मैसी हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर डाला है छोटे गिलास से 1 गिलास पानी। ये हम इसलिए करेंगे कि टमाटर, मिर्च और प्याज सारी चीज़ें आपस में मैसी हो जाएं। कि देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 मिनट के लगभग और भून लिया था। सारा पानी प्याज और टमाटर ने अब्सॉर्ब कर लिया है। अब हमें इसे ग्राइंड करना है, तो ग्राइंड करने के लिए मैं इसमें से तेज पत्ते अलग कर रही हूँ। तेज पत्तों को इसमें से निकाल देंगे, हम मसालों को थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इसका प्योरी बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसे 20 मिनट के लिए ढककर अलग रख दिया था। अब मैं गैस पर एक और पैन डाल रही हूँ और इसमें एक एक करके चिकन के टुकड़ों को, जो हमने मैरिनेट करके रखा है, उसे डालेंगे और डालकर फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी है उतने चिकन के पीसेस आप इसमें अच्छे तरीके से डाल दें। ध्यान रखें कि चिकन के पीसेस अलग अलग रहें। अगर एक दूसरे में चिपक जाएंगे तो सारे मसाले एक दूसरे से लग जाएंगे। और इस तरह से कढ़ाई को हिलाते हुए तेल को ऊपर कर दें, जिससे कि मसाले कोट हो जाए अच्छे तरीके से। और जब एक साइड अच्छे तरीके से पक जाए तो इसे पलट लें। देखिए मैंने यहाँ चिकन के टुकड़ों को अच्छे तरीके से पलट लिया है और दोनों साइड से अच्छा सुनहरा लाल होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसे अलग से तंदूर में क्यों नहीं डाला है और कैसे कढ़ाई में हम चिकन टिक्का बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे एज अ स्टार्टर, चिकन टिक्का के मसाला ना बनाकर एज अ स्टार्टर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं किसी भी अच्छी चटनी के साथ। तो हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि सारे चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए सारे चिकन फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने अभी एक बैच फ्राई किया है, इसी तरीके से सारे चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। और अब मैंने एक और कढ़ाई लिया है। अब हम इसका दूसरा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने बचे हुए तेल का यूज़ किया है और इसे अच्छे से छान लिया है। तेल को हमेशा छान कर ही यूज़ करें, नहीं तो तेल की इम्प्योरिटी जो है वो हमारे ग्रेवी में आ जाएगी। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। इसके साथ ही अब मैं डालूँगी 2 लाल मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ 4 प्याज को बारीक काट लिया है और इसे हम अच्छे तरीके से बिल्कुल सुनहरा होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर, ध्यान रखें फ्रेंड्स कि गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। अगर हम तेज आंच पर अगर प्याज को भूनेंगे तो प्याज हमारे जल जाएगी और फ्लेवर इसका सारा कोलैप्स हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर प्याज को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखला रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि प्याज बहुत अच्छे भून चुके हैं। अब मैंने यहाँ डाल लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी तब तक भूनेंगे हम जब तक इसमें से इसका रॉ स्मेल चला न जाए। और 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे सारे सूखे मसाले। तो 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है मैंने। धनिया पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। इसके साथ ही हम यहाँ डालेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्च पाउडर वापस मैं इसमें रेड कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करूँगी, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। ध्यान रखें दोस्तों, अगर हम तीखा मिर्च पाउडर यहाँ यूज़ करेंगे तो बहुत तीखा हो जाएगा, क्योंकि हमने लाल मिर्च भी यूज़ किया है मसालों में। इसके साथ ही मैंने यहाँ डाला है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने यहाँ 1/4 स्पून यूज़ किया है। इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हमें मसालों को जलने नहीं देना है। तो 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम यहाँ डालेंगे जो हमने मसाले अलग से पीस करके तैयार रखा था, प्योरी जो बना के रखा था प्याज और टमाटर से, तो वो अब हम यहाँ डाल लेंगे। तो ये देखिए प्याज और टमाटर का प्योरी है ये, जिसे हमने पहले भुना था और अच्छी प्योरी बना ली थी। यहाँ ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर सारे मसालों को मिलाकर मैं वो पानी इसमें डाल दूँगी और अच्छे तरीके से अब इन सारे मसालों को मिलाएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ डाल देंगे लेफ्ट ओवर मैरिनेटेड मसाला, जो हमारे चिकन में से मैरिनेशन जो बचा हुआ था वो भी इसे हम यहाँ डाल देंगे।
इससे मसालों में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। ग्रेवी बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि हमारी ग्रेवी ऑलरेडी बहुत अच्छी पकी हुई है तो मैं ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए अब मैं यहाँ डाल रही हूँ एक चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने हाथ पे क्रश कर लिया है, और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। प्यूरी को हमें ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि मसाले सारे पके हुए हैं। अब हम यहाँ डाल रहे हैं चिकन टिक्का को, जो हमने पहले फ्राई करके रखा था, इसे भी एक अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे मिलाकर लगभग 5 मिनट के लिए एक अच्छा बॉयल आने देंगे। चिकन को मसालों के साथ लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो चिकन और मसालों को लगभग 5 मिनट तक मैंने भून लिया था। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ क्रीम, ये मैं घर का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। घर का क्रीम कहने का मतलब है कि जो दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो यूज़ कर रही हूँ मैं, कोई बाज़ार से कोई क्रीम नहीं लाया है मैंने। और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया डाला है मैंने। देखिए, हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। लग रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट से लाया हुआ चिकन टिक्का मसाला। तो आइए अब झटपट से इसकी एक अच्छी सी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है। बोनलेस नहीं, विथ बोन ही सही, पर हमने घर पे इसे बनाया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर बनाकर ट्राई करें इसे। इसे आप रोटी, चावल, ज़ीरा राइस, तंदूरी रोटी, किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप भी इसे अपने घर में, अपने किचन में बहुत जल्दी बनाएंगे। तो कब बना रहे हैं इसे, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं मोटिवेट होती हूँ, मोरल मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है कि मैं नए नए वीडियोज़ लेकर आप तक आती रहूँ। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह के नए वीडियोज़, इसी तरह के नई टेस्टी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।